अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो 9th क्लास की न्यू मैथ बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज इसके हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले पढ़ेंगे इसके। मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर्स पर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचर से एग्जिस्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से कोई भी कभी कहें कि मुझे काउंटिंग सुनाओ, तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इनफाइनाइट होते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी इनफाइनाइट होते हैं। उसके बाद ये इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं कि जब आप किसी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में से ही माइनस करें, तो कभी आंसर आपका प्लस में आएगा, कभी आपका माइनस में आएगा। तो इसको डिनोट करने के लिए इंटीजर्स है। इंटीजर्स भी यही होते हैं कि 0 से स्टार्ट होते हैं, वो 1 आगे पॉजिटिव साइड पे भी जाते हैं और नेगेटिव साइड पर भी जाते हैं। उसके बाद आते हैं इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ 2 के टेबल से ही डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आता है ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, ये सब जो है इनमें प्लस माइनस, मतलब ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं या सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। फ्रेंड, ये आपको बता रहा। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है एक्स अपॉन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू सच डेट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। मतलब हम रैशनल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो नीचे आपका बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये बी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 6 है, ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और ये आपका इवन नंबर भी है, और ये रैशनल नंबर भी है। अगर 6 के नीचे 1 आ जाए तब भी ये रैशनल नंबर ही है। अब 12 अपॉन 2 है, इसको आपने 2 से 2 2 2 6 12 किया है, तब भी ये 6 जो है वो रैशनल नंबर है। अब इसके बाद आती है 10 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप सोल्व करेंगे 3.333, ये चलता जा रहा है। अब आपने यहाँ एक बात रखनी है, याद रखनी है, ये आप देखिए सारे रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब ये इनफाइनाइट चलता जा रहा है, लेकिन ये रिकरिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो तो वो रैशनल नंबर में आता है। अब इस तरह 1 अपॉन 2 है, इसको आपने सोल्व किया 0.5 आया, ये इसके जो डेसिमल पार्ट था उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स थे, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये रैशनल नंबर है। इसी तरह 9 अपॉन 11, अब इसमें आंसर आ रहा है 0.8181। आपने देखा कि बिल्कुल मैच होता जा रहा है पैटर्न। जब मैच पैटर्न हो जाए तो भला वो नॉन टर्मिनेट हो, वो आगे इनफाइनाइट चलता जा रहा हो, लेकिन वो रिकरिंग पर हो, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, तो वो भी आपके रैशनल नंबर पर आता है। सेम आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल में क्या होना चाहिए? इसमें भी ये बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है ए अपॉन बी वो फ्रैक्शन फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ये इरेशनल नंबर होते हैं। इसकी एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट में कभी भी कोई भी नंबर हो, जो ये एन लिखा है, एन का मतलब है कोई भी प्राइम नंबर हो, वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने यह एग्जाम्पल दिया अंडर रूट 3, अब 3 जो है वो प्राइम नंबर है, आपने इसको सोल्व किया, इसका आंसर ये आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आगे चलता भी जा रहा है, ये आगे चलता जा रहा है, और इसके पैटर्न भी कोई मैच नहीं हो रहे, ये सारे डिजिट जो हैं वो अलग अलग हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा इरेशनल नंबर होता है। और ये फेमस पाई है की वैल्यू थी 3.142, ये भी इरेशनल नंबर आता है। इसके बाद आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो इस लेक्चर का आज आखिरी पार्ट है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, अगर आप रैशनल और इरेशनल को आपस में यूनियन कर दें, यानी रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को आपस में आप मिला दें, तो वो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की। फ्रेंड, जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जिसको आपने आपको ये बताना है कि वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है।
तो ये मैंने आंसर निकाल लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/5, इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.2। अब आपको कैसे पता चले कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल? देखिए, आपने चेक करना है कि इसके पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो जब लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। इसके बाद देखें स्क्वायर रूट 2/8, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.17677 ये चलता जा रहा है। अब आप इसको चेक करें, ना ही ये आपस में रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये लिमिटेड है, तो जब ये ना ही रिपीट हो रहे हैं ना ही लिमिटेड है तो ये इरेशनल नंबर है आपके। उसके बाद आता है 5/√6, इसको आप सॉल्व करिए, देखें 2.449489, कोई रिपीटेशन नहीं हो रही, ना ही ये रिकरिंग है ना ही ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब ये इनफाइनाइट है, तो ये भी इरेशनल नंबर है आपके। उसके बाद आता है 2/8, इसको अब आप कैंसिल आउट करें, 1 2 1 2 2 4 8 1/4 1/4 को डिवाइड करें, 0.25 बच रहा है। अभी 25 देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। उसके बाद आए 1/√3, इसको आप जब सॉल्व करेंगे देखें 7320 ये आगे चलता जा रहा है, ना ही ये रिकरिंग है ना ही ये टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 8, इसको आप सॉल्व करें देखें 8 2.828427 ये आपके इनफाइनाइट चलते जा रहे हैं, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद आते हैं ई। अच्छा ये ई क्या है? ये आपका यूक्लिडियन जो है एक सिंबल है जिसकी एक फिक्स वैल्यू है 2.71828, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ये आप इंटरनेट पर सर्च करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो पहला पार्ट है उसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिसमें आपको ये बताना है कि वो रैशनल नंबर है या वो फिर इरेशनल नंबर है, और जो रैशनल नंबर है उनको आपने एक अलग कॉलम में लिख लेना है और जो इरेशनल है आपने उनको अलग कॉलम में लिख लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है आपका 1/5 = 0.2, अब आप कैसे पता चलेगा ये रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है? आपने देखा पॉइंट के बाद जो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, बहुत कम है, एक ही है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं उसका मतलब होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो वो आपका हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट 2/8, जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया 0.17677, अब आप देखें कि ये इनफाइनाइट चलते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए पहली बात। उसके बाद इनमें कोई भी आपस में रिपीटेशन नहीं हो रही, देखिए 1/7 है उसके बाद 6/7 आ रहा है, आपस में ये मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद 5/√6, इसको आपने सॉल्व किया 2.449489, अब देखें पहली बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब ये इनफाइनाइट चलते जा रहे हैं, दूसरी बात आप इसमें देखें कि इनमें कोई भी रिकरिंग नहीं हो रही, ऐसे 4 4 9 4 8 9 ये सब आगे अलग अलग वैल्यूज हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो भी आपका क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद 2/8, इसको आप कैंसिल आउट करें 1/4 बनेगा, और जब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 0.25, अब आपका ये देखें कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स है मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। उसके बाद आते हैं 1/√3, इसका आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.7320 और ये चलता जा रहा है। अब ये एक तो इनफाइनाइट है मतलब नॉन टर्मिनेट है, उसके बाद इसमें आपने चेक किया कि इसकी रिकरिंग
ये नॉन रिकरिंग है, वो कैसे पता चला? आप देखें कि ये 7320, ये सारे वर्ड्स अलग अलग है, कोई भी इसमें मैचिंग नहीं हो रही है, ना ही रिपीटेशन हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट 8, 2.82847, पहला आपने चेक किया कि ये नॉन टर्मिनेट है, मतलब ये इनफाइनाइट चलते जा रहे हैं। उसके बाद इसमें जो है आप देखेंगे कि रिपीटेशन नहीं हो रही है नंबर्स की, ये सारे अलग अलग पेयर्स भी आप चेक कर ले तो अलग अलग आ रहे हैं, 8284 अलग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो क्या होते हैं आपका, इरेशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद आपने चेक किया ई, ई जो है बेसिकली इक्लिडियन एक साइंटिस्ट था उसके नाम पर ये वेरिएबल बना है, इसकी एक फिक्स वैल्यू है 2.71828, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी आपका क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। उसके बाद आते हैं पाई, पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है 3.142, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी क्या हुआ आपका, इरेशनल नंबर। उसके बाद आते हैं स्क्वायर रूट 5, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.23606, और वैसे भी इसकी आपको एक पहचान बता दूं कि कभी भी स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर हो जो प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। अब आपने 22/3 को सॉल्व किया, देखें अब इसमें 7.33 रिकरिंग हो रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा रैशनल नंबर में आता है। उसके बाद 1/π आप इसको सॉल्व करेंगे, ये अगेन 0.3183 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये इरेशनल नंबर है। और आखिर में 11/12 आपने इसको सॉल्व किया, आंसर 0.9166, ये आगे चलता जा रहा है, तो ये भी रिपीटेशन भी नहीं हो रही और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड ये आज हमने पार्ट कंप्लीट किया, इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आपने उनको कन्वर्ट करना है सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में, और उसके बाद उनको ये बताना है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पहला क्वेश्चन था 5/8, आपने इसको सॉल्व किया, आंसर आएगा 0.625, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल के पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब 4/18, ये आपका आंसर, इसको सॉल्व करें 0.222, ये इनफाइनाइट चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मैं सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद 1/15 0.0666 हो रही है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स है, ये आगे कंटिन्यू नहीं चल रहा, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 207/15 को डिवाइड किया, 13.8 आया, लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 50/76 पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर आपके चलते जा रहे हैं, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनको आपने नंबर लाइन पर जो है ड्रॉ करना है। अब 8/10 आप इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर आपका आएगा 0.8। अब आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपका लाइन के दो एंड्स आ गए, ये बीच का पॉइंट आपने 0 कह दिया, उसके बाद ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, इसी तरह ये -1 हो गया और ये
माइनस टू हो गया, 0.8 किसके दरमियान में होगा, वो यहाँ पर आ रहा होगा, तो आपका 0. इस जगह पर तकरीबन आ रहा है, ये आपने बना लिया। उसके बाद इसी तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है -8/10, इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा -0.8। अब सेम एज इट इज आपने ड्रॉ कर ली, या इस आप ड्रॉ कर लें, इसके बाद ये आपको एक माइनस ये पॉइंट्स लगा लीजिए आप, ये आपका टू पॉजिटिव, ये जीरो, ये -1 और ये -2। अब -0.8 मतलब 0.8 है -1 से पहले, तो ये कहीं यहाँ लाए कर रहा होगा अंदाजन, तो ये 0.8 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा था आपका 4, 1, 1, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये होल नंबर है, इसको आपने पहले सॉल्व करना है। 4 × 4 + 1 = 5/4, 5/4 को आपने सॉल्व किया, आंसर आपका आएगा 1.25। आपने इसको ड्रॉ किया, ये 1 दे, ये 2 हो गया, आप -2, ये -1, ये 0, सेम एज इट इज, ये 1 और ये 2 और ये 1.25 है, 1.25 तकरीबन यहाँ लाई कर रहा होगा, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया है सेम एज इट इज। मैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, सेम है, -4 है, तो ये -5/4 हो जाएगा, तो ये -1.25 हो जाएगा। अब ये 1.25 माइनस में है, -1.25 यहाँ लाया कर रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6, फाइव है आपके पास 2/3, आपने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आ रहा है आपका 0.66। तो फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 5 था 2/3, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.66 और ये आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। आपने इसको ड्रॉ करना है, आपने लाइन ड्रॉ करी सिंपल, ये आपका -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो गया, इसी तरह ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और इसको आप आगे कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। अब 0.66 यहाँ पर कहीं लाया कर रहा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेम जो इसका आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, वो था आपका -2/3, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब -0.66 यहाँ कहीं लाया कर रहा होगा। तो फ्रेंड ये हमने सॉल्व कर लिया कि किस तरीके से आप रैशनल नंबर को एक लाइन पर लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका। फ्रेंड जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था वो ये था कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल नंबर आते थे वो आपने बताना है। तो ये आप लिखें 3/2, 5/4, 9/8, 7/4, ये हमने 4 लिए हैं जो आपके आंसर में थे, हमने यही सिलेक्ट किए हैं। अब ये रैशनल नंबर कैसे है, 3 को 2 से डिवाइड करो 1.5 बचेगा, 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, ये भी 5 को 4 से डिवाइड किया 1.25 बचा, ये भी 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, 9 को 8 से डिवाइड किया 1.125, ये भी 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, तो 7 और 4 को डिवाइड किया तो ये बचा 1.75, तो ये भी 1 और 2 के दरमियान आ रहा है। तो ये चारों जो थे वो रैशनल वो लिस्ट है जो 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर जिनसे आपके बनते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल था कि पाई जो है वो रैशनल नंबर क्यों है, वाई पाई इज अ रैशनल नंबर, वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आपको मालूम है 3.142। अब वो ये चलती जा रही है, तो ये ना ही ना तो ये टर्मिनेट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही इसमें कोई भी जो आपका जो है कितने रिकरिंग हो रही है, कोई भी वैल्यू जो है सेम नहीं आ रही है, मैच नहीं हो रही, जैसे कोई ना ग्रुप बन रहा है ना पेयर मैच हो रहा है, जैसे 3.12 ये तीनों डिजिट्स अलग अलग हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दिस इज वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
तो फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो चेक करते हैं। पहला है 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 को आपने डिवाइड किया, 0.7142 आ रहा है। आपने देखा ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, ये सही कह रहा है कि 5/7 जो है वो इरेशनल नंबर है। आंसर 0.7142 आया, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। उसके बाद पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई इक्वल्स टू 3.142, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये इरेशनल नंबर होता है, ये भी आपका ट्रू है। 0.31591 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये बिल्कुल सही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कंटिन्यू चलता जा रहा है और इसमें कोई भी वैल्यू आपस में मैच भी नहीं हो रही, नॉन रिपीटिंग है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब 0.12 ये 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है आगे 3 है। अब आप गौर करें तो ये मैच नहीं हो रहा है, 0.123 जो है ये आगे 3 जा रहा है, तो ये इनका रिकर्शन नहीं हो पा रही है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 1/3 और 2/3 ये 0 और 1 के दरमियान लाइक करते हैं, जी लाइक करते हैं। किस तरीके से 1/3 को डिवाइड किया, 0.3, ये 0 और 1 के दरमियान है। 2/3 0.6 बचेगा, ये भी 0 और 1 के दरमियान है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अब 1 को डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.577। ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये इरेशनल नंबर है, तो ये आपका फॉल्स है। तो फ्रेंड्स आज की लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सीखा है, उसके सारे सवाल आप कर लिए हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो या किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।